तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का पेपर आपसे परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाएगा और इसका सोल्यूशन आपको कैसे पूरा कम्प्लीट करना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, आप लोग यहाँ से इसको देख लें। पहला क्वेश्चन, भक्ति सेवन धर्म में स्पर्धा करती थी, तो देखिएगा किससे स्पर्धा करती थी, हनुमान से। चौके के गीले होने का भावार्थ है, तो देखिएगा नए जीवन का उदय होना। और सिल्वर बेडिंग से अभिप्राय है, तो देखिएगा रजत जयंती इसका अभिप्राय होता है। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं, तो देखिएगा 5 संस्थाएं हैं। और उसके बाद में विवानुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति परिभाषा किसकी है, तो देखिएगा यह परिभाषा आचार्य भरत मुनि की है। उसके बाद में टेढ़ी खीर मुहावरे का, तो देखिएगा कठिन कार्य इसका अर्थ है। तो यहाँ से आप सब लोग देख लें। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। अब रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन, शरीर का पेड़ अपना रस से सींचता है, किससे, वायुमंडल से। बगलों के पंख के रचनाकार कौन है, उमा शंकर जोशी। देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो। अब इसके बाद में यहाँ से आप सब लोग इनको देख लीजिएगा, कूटीकरण को भी कहते हैं, तो देखिएगा क्या कहते हैं, एनकोडिंग। आनंदा की पाठशाला से लगती थी, तो देखो कब से लगती थी, 11 बजे से। अगला क्वेश्चन, अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, ये वाक्य है, तो देखिएगा साधारण वाक्य है ये। गद्य पद्य मिश्रित काव्य कहलाता है, तो देखिएगा इसको चंपू काव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं, तो देखिएगा आधुनिक काल के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर को देख ले आप सब लोग। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर ले। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे जो कि मैंने आपको बताए हैं, तो आप सब लोग इनको अच्छे प्रकार से जरूर देख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, 3 है सॉरी, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो देखो सही जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है, पहला क्वेश्चन, पहलवान की डोला किसकी जोड़ी मिल जाएगी, परेश्वर नाथ रेणु से। उसके बाद में हरिवंश राय बच्चन की जोड़ी मिल जाएगी आत्म परिचय से। उसके बाद में अतीत के दबे पांव, तो देखो इसकी जोड़ी मिलेगी यात्रा वृतांत से। और हिंदी भाषा की लिपि, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी देवनागरी से। शब्द गुण की जोड़ी मिल जाएगी माधुरी ओज और प्रसाद गुण से। समाचार लेखन के होते हैं 6 ककार, तो देखो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो जैसा कि मैंने आपको बताया है। A to Z सभी के सभी क्वेश्चंस में यहाँ से आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर के लिए क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। अब इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, ये आपके पेपर में पूछा जाएगा। कविता का पहला उपकरण क्या है, ये भी आपके पेपर में आएगा। और यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी, तो देखिएगा ये अल्मोड़ा के रेमजे स्कूल से इन्होंने पास किया था। और उसके बाद में, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को ख़त्म करूंगा, ये कथन किसका है, तो देखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। अगला क्वेश्चन, कविता पंख लगाकर कहां कहां उड़ सकती है, तो देखिएगा यहां पर इसका आंसर बताना आपको। और उसके अलावा राजा ने लुप्टन से क्या कहा, तो देखिएगा इसका उत्तर होगा, राजा ने लुप्टन से कहा, 10 रुपये का नोट दिया और कहा कि मेला देख कर जाना। उसके बाद में देखो महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता रहती है, तो देखिएगा ये आपको बताना है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते अपन लिखा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं, देखिएगा ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है, असत्य होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का उपयोग होता था, ये भी सत्य होगा। लेखक का आशय यांत्रिक हस्त कौशल से होता है, तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। तो देखो यहाँ तक के सभी सत्य असत्य वगैरह मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर के लिए क्वेश्चन और उनके आंसर को देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 5 तक के लिए क्वेश्चन अपन ने देख लेते हैं और बाकी का क्वेश्चन ये दिया गया है 5वें नंबर का, पाठ रुबाइया व गज़ल में कवि ने स्वयं को देश पर न्यौछावर कर दिया, असत्य होगा। मेरी कल्पना का आदर समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, तो देखो ये भी आपका सत्य है। उसके बाद में क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार से पूछे गए हैं, प्रश्न नंबर 6, 7, 8, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी लें जो कि मैंने आपको बता दिए यहाँ तक के। और उसके बाद में देखिएगा आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, फीचर लेसन से क्या से भाव पल्लवन आपको करना है, तो आप सब लोग इनको देख लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें।
अब इसके बाद में देखो आगे पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सब लोग देख ले। प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है, 21वां क्वेश्चन ये दिया गया है और बाकी के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लें और पूरा का पूरा इनको याद भी कर लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।